आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिकल्ड पियर्स अनियन, यानी कि सिरका वाले प्याज। दोस्तों, आपने रेस्टोरेंट में बहुत खाए होंगे, आप भी इस रेसिपी को घर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग आधा किलो प्याज लिए हैं, उन्हें छीलकर अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। और अब हम इनमें सारे में हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि इस सिरका अनियन अच्छे से बन जाए। इसमें कट लगाते वक्त हमें प्याज को अलग नहीं करना है। आप इसमें प्याज की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हम एक बाउल लेते हैं, उसमें हम एक गिलास पानी को ऐड करते हैं और एक कप विनेगर यानी कि सिरके को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पानी और सिरके की क्वांटिटी सेम ही रखनी है। और अब हम इसमें 3 से 4 तेजपत्ता, थोड़ी सी साबुत काली मिर्ची और दालचीनी को ऐड करते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हम इसमें शुगर को ऐड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बीट रूट लिया है और उसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें कट लगाए हुए प्याज को धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब मैंने कट किए हुए प्याज को धीरे धीरे करके ऐड कर दिया है। कट करने से सिरका वाले प्याज अच्छे बन जाते हैं। और अब मैंने इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची को ऐड की है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमें सारे प्याज को अच्छे से मिला लेना है। हमने सारे प्याज को अच्छे से मिला लिया है और इसे हम ढककर 13 से 14 घंटों के लिए अलग रख देते हैं। इसे रखे को 13 से 14 घंटे हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारे सिरका वाले प्याज बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर लगने वाले मसाले को तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लेते हैं, उसमें मैंने नमक, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, हींग को डाला है और उसे अच्छे से मिला लिया है। अब हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम तैयार किए हुए मसाले को प्याज के ऊपर डाल देते हैं, इससे प्याज का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप मिनटों में रेस्टोरेंट स्टाइल सिरका प्याज घर पर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अचारी प्याज की रेसिपी। तो पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्याज लिए, इन्हें छीलकर हाफ हाफ कट कर लिया है। मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून काला नमक, सफ़ेद नमक लिया है। 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और दरदरी पीसी हुई पीली सरसों ऐड की है। इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल की डालते हैं और उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमें इसमें मसाले को अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा मसाला मिलकर तैयार है। अब एक पैन लेते हैं, उसमें तेल को गर्म कर लेते हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी कलौंजी डाली है। अब उस गर्म तेल को हम प्याज में मिला देते हैं। इसे डालने से प्याज का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सारा मसाला अच्छे से मिल चुका है और अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। अब इसे रखे को 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और हम इसमें प्याज को अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे अचारे प्याज बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।